हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन, द स्कल ऑफ बेबी चिंपेंजी इज मोर लाइक अडल्ट ह्यूमन स्कल देन अडल्ट चिंपेंजी स्कल। ठीक है, जो बेबी चिंपेंजी का स्कल है वो ज्यादा किसके जैसा नजर आ रहा है? अडल्ट ह्यूमन स्कल के जैसा। अडल्ट चिंपेंजी स्कल जैसा नजर नहीं आ रहा है बेबी चिंपेंजी का स्कल। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ऐसा देखा जाता है। जो बेबी चिंपेंजी है उसका स्कल किसके जैसा होता है? सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट मोर लाइक अडल्ट ह्यूमन स्कल। ये करेक्ट है। स्टेटमेंट टू में दिया है एनोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, तो ये एनोलॉजी नहीं बताती है कॉमन एंसेस्ट्री। ह्यूमन एंड चिम्प्स डीएनए इज सो सिमिलर बिकॉज़ इट टू स्पीशीज आर सो क्लोजली रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पर ये एनोलॉजी इंडिकेट नहीं कर रही है किसको? कॉमन एंसेस्ट्री को, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है? स्टेटमेंट वन करेक्ट है और स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट, ये गलत है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, ये गलत हो जाता है। स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 125 पर गिवन है। थैंक यू।